देश में पुरानी परंपरा आज भी मौजूद है जहां लोगों को पशुओं से प्रेम है और ये देखने को मिला है देवास जिले में जहां पर अनूठी बैलगाड़ी प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ तकनीकी युग में कृषि के संसाधन बढ़ने से खेती किसानी में बैलों की पूछ परख कम होती जा रही है तो वहीं कई जगहों पर बैलों से लगाव और पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए आज भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, कई जगहों पर आज भी बैलगाड़ी दौड़ जैसी परंपरा जीवित है। देवास जिले के कन्नौद तहसील के दूरस्थ ग्राम मुवाड़ा में बैलगाड़ी प्रतियोगिता हुई जिसमें करीब 40 बैलगाड़ियों ने भाग लिया जिसमें कई लाखों की कीमत वाले बैल आकर्षण का केंद्र रहे। ये विगत 10 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पे आंचलिक स्तर या आदिवासी क्षेत्रों से। मैंने यहाँ पे आके देखा कि बीच में पशुओं की संख्या कम हो गई ट्रैक्टर आने के कारण, तो मन में एक विचार आया क्यों ना ऐसा कार्यक्रम करा जाए जिससे कि वापस से पशुओं की संख्या बढ़ जाए। बाहर दौड़ देखने जाते थे हम सतवास तरफ, तो क्यों ना छोटी सी दौड़ यहाँ पे भी चालू की जाए। तो छोटी सी दौड़ चालू करते करते आज विगत 10 से 11 वर्ष हो गए, अब सभी भाई लोगों के सहयोग से यहाँ पे बड़ी बड़ी दौड़ होने लग गई है। बाहर के भी बैल अच्छे अच्छे आने लग गए हैं, बामनी के आ रहे हैं हमारे। आज कितनी गाड़ियों आ गई? आज करीबन 40 गाड़ियों का यहाँ पे है। हाँ, कांटा भोड़ से हमारी पीयूष पटेल की गाड़ी है जिनके बैल अभी आपने देखे तो कुछ समय पहले, बामनी के हैं, सतवास के पास भैरूपुरा के बैल आए हैं और अच्छे अच्छे बैल अब यहाँ पे भी आ रहे हैं। और हमारे ग्राम मवाड़ा में भी बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, देसी बैल है यहाँ पे ज्यादा। हाँ, बैलों का ये फायदा हुआ कि जो बैलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, टाइम पे उनको चारा भी नहीं खिलाते थे ना टाइम पे पानी पिलाते थे। अच्छा। इस दौड़ के करने से सभी अपने मवेशियों का अच्छे से ख्याल रखने लग गए, टाइम से खाना पीना बांटा भी देने लग गए। नहीं तो बीच में समय ये आ गया था कि उनको देख रेख परवरिश पे बहुत कोई ध्यान ही नहीं था उनका। खरीद के लेके आए थे दोनों बैल, क्या कीमत होगी उनकी? 1,05,000 दोनों की। 1,05,000 आपका शौक कहाँ से लगा? ये शौक तो पहले से ही, बचपन से पहले भी रखे थे आपने? बैल रखे थे पहले। जिले में होने वाली इस अनूठी प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खातेगांव।